अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इमरान शम्स मेमन। मोहतरम नाजरीन, आज मैं एक फार्मूलेशन आपके लिए पेश कर रहा हूं। ये नोडल है जी यार कंपनी का और 9010 में ये काउंट होता है। बहुत ही आउट क्लास का नोडल है, ज़बरदस्त नोडल है। इसका जो रेट है 325 रुपया है, पहले 320 रुपया था, अभी नोडल महंगी हो गई है, सो 325 रुपया ये नोडल है। ये आप चेक कर सकते हो, आउट क्लास का नोडल है, बेहतरीन फार्मूलेशन है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। दोस्तों, इस नोडल का मॉइस्चर आप चेक कर सकते हो, बेहतरीन इसका मॉइस्चर है और आउट क्लास की नोडल है। और पाकिस्तान में इससे शायद कोई अच्छी कोई नोडल इस रेट में आपको कोई मिल सकेगी, ये मेरा दावा है। ये नोडल जब आप बनाओगे तो आपको साबुन बनाने में मज़ा भी आएगा और आपका साबुन भी सस्ता होगा। तो इसका मॉइस्चर मैंने आपको चेक करवाया, अभी मैं इसको मिक्सचर में डालूँगा। एक बैग की फार्मूलेशन बना रहे हैं दोस्तों, और इसमें ये टेलकम पाउडर है, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सिलिकेट इस टेलकम पाउडर में मिला हुआ होता है। ये टेलकम पाउडर है दोस्तों, 2500 रुपये का तोड़ा है, 50 किलो का। तो आज मैं इसमें टेलकम पाउडर डाल रहा हूँ, 18 किलो टेलकम पाउडर मैंने इसमें शामिल कर दिया है दोस्तों। और ये केमिकल है, जो केमिकल मैंने खुद का बनाया हुआ है। इस केमिकल की ख़ास वजह ये है कि ना इसमें आपको ग्लिसरीन शामिल करने की ज़रूरत होती है, ना कंडीशनर, ना पीजी, ना कैस्टर ऑयल। तो सिर्फ 1 किलो में ये केमिकल इसमें डाल रहा हूँ। इसको आप कुछ कोई भी नाम दे सकते हो, मैं इसको फ़िलहाल इसका नाम दे रहा हूँ सॉप सॉल्यूशन। तो सॉप सॉल्यूशन मैंने इसमें 1 किलो शामिल कर दिया है। अभी इसमें दोस्तों ये मैं टाइटेनियम डाल रहा हूँ। टाइटेनियम डालने का तरीका ये होता है कि आप टाइटेनियम को पानी में घोल कर इसका लिक्विड बनाकर फिर इस्तेमाल करें, फिर टाइटेनियम का रिज़ल्ट आएगा, वरना टाइटेनियम का रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा और टाइटेनियम आपके साबुन में दाना करेगी। तो पानी में ये टाइटेनियम डालकर फिर आप इसमें शामिल करना। तो मिक्सर को मैंने चला दिया है, ये स्टील का मिक्सर है, एसएस का 50 किलो का। अभी मैं इसमें 100 ग्राम एसएलएस डाल रहा हूँ, एसएलएस डाल रहा हूँ इसमें 100 ग्राम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोडियम लाइरल सल्फेट। और इस ये डालने के बाद, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। दोस्तों, मेरी ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई होती है, काइंडली आप डिस्क्रिप्शन जो है ना वो अच्छी तरह चेक किया करो। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा हुआ होता है, साबुन की कॉस्ट क्या आ रही है और कितने का साबुन बन रहा है और कितनी बचत है आपको। बिल्कुल इजी फार्मूलेशन है, सस्ती फार्मूलेशन है, ना कोई झंझट है, ना कोई इसमें सर का कोई दर्द है। तो ये राउंड पहला हमने पाउडर पे स्टार्ट कर दिया है मोटी जाली के साथ। तो मोटी जाली के साथ ये राउंड पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम टांगड़ भी बोलते हैं। तो ये टांगड़ हम निकाल रहे हैं, राउंड वन। दोस्तों देखें, बहुत ही ज़बरदस्त नोडल है, 18 किलो टेलकम पाउडर मैंने इसमें डाल चुका हूँ। अभी ये दूसरा राउंड है, मैं इसी टांगड़ को फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ मोटी जाली के साथ। तो दो राउंड आप पहले मोटी जाली के साथ रिपीट करेंगे, उसके बाद जो है ना मच्छर जाली इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये दूसरा राउंड चालू है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और वीडियो को स्किप तो हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत कारामंद है, जो न्यू लोग हैं उनके लिए। तो अभी ये तीसरा राउंड हमारा स्टार्ट हो गया है, जिसको हम मच्छर जाली कहते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी मेरा ज़्यादा डाल दिया था, इसकी वजह से ये मच्छर जाली जो है ना वो सही तरह नहीं निकल रही है, और मच्छर जाली जो है ना ये जॉइंट होके निकल रही है। तो कोई बात नहीं है, मेन मकसद होता है मच्छर जाली से क्रॉस करना, हमारी मच्छर जाली से वो मटेरियल क्रॉस होके निकल आ रहा है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मच्छर जाली के बाद दोस्तों हमारा ये चौथा राउंड है, अगेन हम इसको मोटी जाली लगाएंगे और टांगड़ इसके निकालेंगे, ताकि इसके बाद हम खुशबू इसमें ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे,
ताकि खुशबू हमारी अच्छी तरह लग जाए और मिक्सर में मच्छर जाली वाली नूडल नहीं फंसे, इसीलिए हमने ये चौथा राउंड हम निकालते हैं टांगड़ का। तो वीडियो को ध्यान से लाजमी देखना दोस्तों। किसी भी दोस्त को नूडल वगैरह चाहिए, स्क्रीन पे मेरा नंबर लिखा हुआ है 0300-322-4434, इस पर रब्ता कर सकता है। बहुत ही उम्दा नूडल है, 325 रुपये किलो है और टेलकम पाउडर का मैंने आपको रेट बता दिया, 2500 रुपये का तोड़ा है। और ये खुशबू हमारी इम्पोर्टेड होती है बाहर की, तो ये भी मेरे पास अवेलेबल है। खुशबू का रेट 4500 रुपये है और मैं 250 ग्राम इसमें खुशबू डाल रहा हूँ। अभी ये जो हमने टांगड़ मोटी जाली के साथ मटेरियल निकाला था उसको मैंने मिक्सर में डाल दिया है, मिक्सर चला दिया है और मैंने इसमें खुशबू भी अभी शामिल कर रहा हूँ। और ये खुशबू भी हमने शामिल कर दी और शामिल करने के बाद हम इस मटेरियल को बाहर निकालेंगे। दोस्तों इंतहाई कारमद ये फार्मूलेशन है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, नूडल डाली है, टेलकम पाउडर डाला है और सोप सॉल्यूशन डाला है और टाइटेनियम डाली है। तो ये लॉन्ग बार का प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो चुका है, शाइनी लॉन्ग बार है, आप देख सकते हो। ये ऐसी नूडल है जिसमें मैंने 18 किलो टेलकम पाउडर डाला है, ये सपोर्ट कर रही है, बहुत ही बेहतरीन नूडल है और ज़बरदस्त नूडल है। लॉन्ग बार शाइनी आ रहा है, चमकदार लॉन्ग बार आ रहा है दोस्तों। अभी लॉन्ग बार तो मैंने आपको दिखा दिया, अभी इसका केक काटेंगे जी। इसके बाद हम केक कटिंग का प्रोसेस करेंगे दोस्तों। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, मैं इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊंगा। अभी ये केक कटिंग का जो है वो पार्ट चालू है, केक कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद पंचिंग भी मैं आपको दिखाऊँगा। कोई भी बात समझ में नहीं आए, कोई प्रॉब्लम हो, मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, कॉल करने से गुरेज किया करो दोस्तों। और व्हाट्सएप पे आप वॉइस कर लिया करो, नाम पता आप बता दिया करो, आपको जैसे मैं फ्री होऊंगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो साबुन हमारा रेडी है, मुझे तकरीबन ये 90 ग्राम का साबुन चाहिए था और ये साबुन हमारा रेडी हो चुका है। मैं दूसरा भी साबुन मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा सा दाग आ गया था और दूसरा साबुन मैं आपको दिखाता हूँ, लड़का पंच कर रहा है। अभी ये पंचिंग के बाद इसको मैं कहता हूँ कि ये सफाई करके दे, और ये साफ़ करने के बाद मैं आपको साबुन भी दिखाता हूँ और इसका वज़न भी करता हूँ। मुझे 90 ग्राम का साबुन चाहिए था, बट मैं इसका वज़न भी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। अक्सर दोस्त मेरा वीडियो ज़रूर लाजमी देखते हैं मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अभी मैं इसका वज़न चेक करता हूं और मैं आपको इसका वज़न भी मैं दिखाता हूं। तो इसका वज़न दोस्तों आ रहा है 88 ग्राम। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दोस्त आपका भाई इमरान शमसुमन, पाकिस्तान जिंदाबाद।